चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अ थिक मेटालिक स्फेरिकल शेल ऑफ इनर रेडियस आर वन एंड आउटर रेडियस आर टू हैज चार्ज कैपिटल क्यू, चार्ज स्मॉल क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द शेल, द चार्ज पर यूनिट एरिया ऑफ द आउटर शेल। सबसे पहली बात कि जब भी मेटेलिक स्फेरिकल शेल में अगर कोई चार्ज क्यू रखा जाएगा तो वो कहाँ जाएगा, वो तुरंत सरफेस पे चला जाएगा। तो ये प्लस क्यू चार्ज कहाँ जाएगा, प्लस क्यू चार्ज सरफेस पे, और बीच में सेंटर पे हमने एक स्मॉल क्यू चार्ज रखा। स्मॉल क्यू चार्ज रखोगे तो प्लस में स्मॉल क्यू चार्ज रखा तो वो अट्रैक्ट करेगा अंदर वाले इंडक्शन के थ्रू अंदर माइनस क्यू को अट्रैक्ट करेगा, प्लस स्मॉल क्यू को रिपेल करेगा, तो बाहर कितना चार्ज चला जाएगा, कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू, और अंदर वाले में माइनस क्यू रहेगा, यहां पर कितना रहेगा, माइनस क्यू रहेगा, माइनस स्मॉल क्यू। तो चार्ज डेंसिटी ए चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी एरिया चार्ज डेंसिटी पूछ रहा है ना, सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू टोटल चार्ज, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। तो बाहर के सरफेस पे एरिया कितना होगा, बाहरी सरफेस पे पूछ रहा है ना, बाहरी सरफेस पे ना, आउटर, आउटर सरफेस पे, आउटर का एरिया कितना होगा, 4πr2² और बाहर टोटल चार्ज कितना होगा, कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू अपॉन 4πr2² ये होना चाहिए। तो एरिया चार्ज डेंसिटी कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू अपॉन ये वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।